हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला, अगर लो की बात करें तो डाउनफॉल भी इसमें देखने को मिला है। तो गाइज, टोटल ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो कंडीशन ऐसी है कि 45 रुपए से नीचे अगर आपको शेयर मिले तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, ये 50 रुपए तक जो एक मेंटेन्ड प्राइस यहां पर आपको दिख रहा है, अगर बात करें लास्ट 6 महीने की तो 6 महीने में करीब करीब 40 रुपए से लेके 50 रुपए तक ये मेंटेन है। सो गाइस, यहां पर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, एक न्यूज है जो ऑफकोर्स काफी बड़ी न्यूज है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 46 रुपए 90 पैसे इसका आज का हाई है, लो की बात करें 45 रुपए 5 पैसे इसका आज का लो, अगर बाउंड्री हाई की बात करें 58 रुपए 40 पैसे इसका बाउंड्री हाई है, लो की बात करें 36 रुपए 70 पैसे इसका बाउंड्री लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो कि करीब करीब यहां पर अगर मैक्सिमम की बात करें तो 125 रुपए के आसपास का सेल हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स गाइस, काफी इसमें जो कि स्प्लिट भी दिया है इसने, प्लस अगर बात करें इसका जो कि इसकी दो एंटिटी और थी, डीआरसी सिस्टम एंड अगर बात करें डीआरसी सिस्टम प्लस सुविधा इंफोसर्व की, उनको अलग किया है, उनको अलग से लिस्ट किया है। तो गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें यहां पर इन्फीबीम एवेन्यू में हुई हैं, काफ़ी सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एंड एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। तो आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 32 लाख क्वांटिटी एनएससी पे ट्रेड हुई है। बीएससी की बात करें तो यहां पर भी करीब करीब 3 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो 4 स्ट्रेंथ है 7 वीकनेस है, 0 अपॉर्चुनिटीज है, 2 थ्रेट नजर आ रहे हैं। एंड आज की बात करें तो ग्रीन कैंडल दोबारा से यहां पर आपको देखने को मिल रही है, इट मींस कि बायर आ चुके हैं, 45 रुपए से नीचे बाइंग स्टार्ट हो जाती है इसमें। एंड सेंटीमेंट की बात करें 67% बाय 33% सेल एंड 0% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। तो गाइस, अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट है, यहाँ पर रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में ऑफकोर्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर एक जंप भी देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी जो कि ऑफकोर्स दोनों साइड से यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे करके यहाँ पर अपना स्टेक डिक्रीज कर रहा है। एंड अगर बात करें प्लेज की तो प्लेज बिल्कुल जीरो हो चुका है। FII की एंट्री एक अच्छी खासी 7.13% के साथ यहाँ पर मौजूद है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें 0.03% यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग है। अगर बात करें पब्लिक की तो 61.35% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग भी मौजूद है। अगर बात करें अदर्स की तो 0.42% यहाँ पर अदर्स की एंट्री भी मौजूद है। एंड अगर बात करें FII की तो होल्डिंग यहां पर इंक्रीज हुई है सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक की बात करें तो यहां पर होल्डिंग बिल्कुल मेंटेन्ड है 2 क्वार्टर से। पब्लिक की बात करें, पब्लिक होल्डिंग यहां पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स एक अच्छा साइन बोल सकते हैं। एंड अदर्स की बात करें तो अदर्स की होल्डिंग यहां पर जो कि मेंटेन्ड है इवन 2 से 3 क्वार्टर में। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गाइस यहां पर मेंटेन क्यों है प्राइस, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो गाइस यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोमोटर को देखेंगे तो गाइस यहां पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है बट यहां पर प्लस जीरो किया है। एंड हो सकता है यहां पर कुछ टाइम के लिए जो प्राइस हो मेंटेन रहे क्योंकि प्रोमोटर को यहां पर होल्डिंग बनानी है, बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहां पर लेके आनी है और इसी प्राइस के आसपास ही बड़ा इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है 61.5%, तो पब्लिक होल्डिंग को कम करना जरूरी है और इसी प्राइस लेवल में मेंटेन रहने के बाद ही पब्लिक जो होल्डिंग है वो कम हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है कि इसको इसी वजह से यहाँ पर मेंटेन किया गया है, 40 रुपये से लेके 50 रुपये तक बिल्कुल मेंटेन है काफ़ी टाइम से, करीब करीब 6 महीने से कंटिन्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसकी जो कि लेटेस्ट न्यूज़ की तो गाइज यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है इसका कल ही 28 अक्टूबर को,
एक ऑफ कोर्स काफी अच्छी न्यूज है। एंड जिस तरीके का जो अभी प्रीवियस रिजल्ट की बात करें उसको देखते हुए लगता है कि एक बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी दिया था 5 पैसे पर इक्विटी शेयर्स। एंड ऑफ कोर्स गाइस कंपनी डिविडेंड दे रही है, इट मींस कि कंपनी में अच्छी खासी वर्थ है, अभी स्ट्रेंथ है इवन। एंड गाइस अगर लंबे टाइम के लिए अगर टारगेट सेट करें तो गाइस हो सकता है यहाँ पर प्रोमोटर एक अच्छी खासी पकड़ बना लेगा, उसके बाद हो सकता है ये आपको 70-80 रुपये के आसपास भी दिखे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है जियो के साथ। इवन पार्टनरशिप की न्यूज़ की बात हो या फिर बात हो, काफ़ी सारी पार्टनरशिप हुई है, या फिर अगर बात करो इन्फीबीम एवेन्यू की, तो गाइज एक इवन न्यूज़ भी आई थी, इवन थोड़ा सा ये हुआ था कि जब पेयू ने बिल्डर्स को एक्वायर किया था तब अटकलें लगाई गई थी कि पेटीएम एक्वायर कर सकता है इन्फीबीम एवेन्यू को। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा धमाका होगा और हो सकता है ये धमाका पेटीएम के IPO के बाद हो, पेटीएम के लिस्ट होने के बाद हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज होगी। एंड ऑफ कोर्स गाइस ये न्यूज इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर पर भी प्लस पेटीएम के शेयर पर भी एक अच्छा खासा जो कि इफेक्ट डालेगी और काफी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है दोनों शेयर में। तो गाइज ऑफकोर्स होल्डिंग करके रखें इसको, अगर आपको 45 रुपये से नीचे मिले, 45 रुपये के आसपास मिले, देन ऑफकोर्स आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करना चाहिए, एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।